ये मुझे ना दिखने में काफी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, दो लिए मैंने, एक मान चुकी एक अपने लिए, और इसे मेरे को लगता है पेट पूरा भर जाएगा क्योंकि बहुत भारी सा भी है। Alright, so guys, welcome back to the channel. I'm Vijay Sharma and you're watching Vijay Sharma Vlogs. So dude, सुबह के बच्चे के 8 और वही बस ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, बट आज ब्रेकफास्ट में रोटी खाने का मन कर रहा है, तो रोटी बनानी तो आती नहीं है, तो मैं लेके आ रहा हूँ बाहर से। तो बाहर चलते गाइस, रोटी लेके आते हैं और फिर मिलते आगे। सो चलते हैं, ऐसी फेंक दीजिए। ठीक है, सो गाइस कूड़ा भी दे दिया और कूड़ा करके आते हैं एंड फिर लेके आते हैं रोटी। अच्छा लगा सही है, अभी गए थे वर्कआउट करके आए और मजा आ गया। और हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले बनाने शेक, अब जा रहे हैं रोटी लेने के लिए। अब गाइस यार इतनी छोटी रोडों पर ट्रक वगैरह आएंगे तो जाम तो लगेगा ही है ना, बहुत रश है इस साइड ना। वर्सोवा में है गाइस हम लोग और में बहुत रश होता है। यू कैन सी ये वहाँ चलना, मेरे को भी चलने का है, मैं कहीं से जाएगा। कैसे देख रहा था सो गाइस, फाइनली ले ली रोटी, मतलब रोटी रोटी के नाम पर उन्होंने कुछ और ही पकड़ा दिया गाइस मेरे को। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, वो तो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि मुझे देख के अच्छा लगा, मैंने कहा ठीक है आज यही ट्राई करेगा मैं। तो अभी चलते हैं घर पे, फिर दिखाता हूँ आपको कि वो मस्ती थी। पर रोटी की बोले तो यहाँ पे यही है, यह स्पेशली रोटी बनाओ बोलो कि बनी हुई रोटी, तवे वाली रोटी। उन्होंने पता नहीं क्या पकड़ा दिया मुझे, बट वही है, दिखाते हैं आपको घर जाते। जय माता दी। भाई मानसू देख, मैं आज ऐसी चीज़ आ रहा हूँ ना, एक तू देखेगा तो भी खुश हो जाएगा। और क्या कर रहा, सो गुड लगे रहा है, मैं तेरे को दिखाऊंगा एक मस्त सी चीज़, रुक जा। सो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या लाया, उन्होंने रोटी के नाम पे मुझ पर क्या चिपकाया। ये मुझे ना देखने में काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, दो लिए मैंने, एक मान चुकी एक अपने लिए, और इसे मेरे को लगता है पेट पूरा भर जाएगा क्योंकि बहुत भारी सा भी है, हैवी है। और ये मिला मुझे 25 रुपीज़ का, वैसे 25 की इसकी बहुत नहीं है, इसकी बहुत होनी चाहिए कम से कम 15 रुपये, क्योंकि ये बंद ही है सिर्फ एक और कुछ नहीं है, पर दिखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने ले लिया। तो अभी टेस्ट करूँगा इसे और फिर आपको इसके ना रिव्यू दूंगा कि कैसा है सच में। रोटी के नाम पर क्या चिपका दिया, पर यह है कि अच्छा लग रहा था, अब इसे हयाम कर दिया। तो मिलता आपको आगे। सो गाइस रोटी ना सच में बहुत मतलब हैवी थी, वो रोटी एकदम कुछ और ही था, जो भी था बल टाइप का, पर पेट तो भर गया था और वो मजा भी आता था खाने में। जैसे आप ना अंडे के साथ खा सकते हो, अंडे की भुजी के साथ। एंड उसके बाद गाइस मैंने कपड़े धोए थोड़े, और देखो गाइस फर्स्ट टाइम धो रहा हूँ इतने सारे कपड़े ना। आज तक गाइस मॉम मिली थी तो घर की अब वैल्यू पता चल रही है, और फर्स्ट टाइम जब से बॉम्बे में आ रहे ना अब सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है, तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है और अलग चीज़ें सीख रहे हैं रोज़ रोज़। आज मैंने ऐसे ही धो लिए कपड़े, धीरे धीरे और अच्छे धुलेंगे और अच्छे और अच्छे, अब डालेंगे फिर सुखाने के लिए, एंड फिर जो भी होता है आप लोगों को दिखाते हैं जो भी चैनल बनाए प्लीज सब्सक्राइब करें। सो गाइस हो चुकी है रात और अभी हम लोग जा रहे हैं जिम पे। ये माम क्या खाता तू। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग, और हिमांशु यही शर्ट क्यों पहन रखी है तूने, ये टी शर्ट कर दियो है, कट क्यों कर दियो, क्यों पहनी है इसे, मैंने पहने। अच्छा तो गाइस इसने कपड़े धोने डाल रखे हैं आज सारे, तो इसने यही पहना है, बट कोई नहीं मेरे को तो आप देख ही रहो रोज़ नए नए कपड़े, ऐसा है भी मतलब अभी पहन लेता हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो अभी जा रहे हैं जिम पे और जिम के नाम है हमारे धाकू जिम, तो जिम करते हैं और मिलता आप लोगों से आगे। क्या करेगा जिम करके, बॉडी बनाएगा ना मैं, कैसा नहीं करेगा वो तो पहले से स्मार्ट हो रहा है। जय भगवान जी, मंदिर बड़े अच्छे है गाइस यहाँ के। बॉम्बे में ना गाइस चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या मस्जिद हो, सारे बहुत बेहतरीन है, सुंदर से हैं और मतलब खर्चा करा हुआ अच्छा, ये चीज़ देख के अच्छी भी लगती है क्यों।
और कोई इतना खर्चा हम भी दे रहा है तो बहुत मजा आ रहा है। सो गाइस ये है जिम हमारा, तीन माले पे है, एक दो तीन, तीनों माले हमारे जिम के। तो चलते हैं और करते हैं जिम। जो ये जिम है ना ये ओल्ड स्कूल टाइप का है, मतलब सारा पुराना सामान टाइप का यहाँ पे, और ये लगता है कि कुछ कर रहे हैं यार, हैवी है तो मज़ा आता है सब तक। सारा सामान वैसे ही है ओल्ड स्कूल टाइप का, और अब करते जिम और मिलकर आ गया। सो गाइस फाइनली जिम जिम कर लिया हमने, और हफ्ते से घर की तरफ, और मतलब सबसे ये है कि थोड़ा ज़्यादा बीच में हैंगी है, और जो भी होता है आपको दिखाते हैं। मार्केट बहुत बिजी है यहाँ का, यहाँ पे इतने लोग हैं ना, मतलब लोग ही लोग। गाइस ये देखो बहुत बिजी है यार बॉम्बे, वेरी बिजी बॉम्बे, ये देखो। तो गाइस मिलते हैं आपको आगे, दिखाते हैं सब।